हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आपके फेवरेट ट्रैवल और फूड व्लॉगिंग चैनल लाइफ रिदम पे। इस बार वादे के अनुसार गुजरात डायरीज में हम ले आए हैं एपिसोड 2 ऑन सासन गीर। इस एपिसोड में हम कवर करेंगे होटल जहां हम रुके थे और अदर ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट इन सासन गीर। इन जगहों के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें आपका कॉन्स्टेंट सपोर्ट मिलता रहे। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं अदर प्लेसेस यू मस्ट विजिट while you are in Sasan। We are on the way to our hotel। हमने जो होटल बुक किया है ये सिंहसदन से 200 मीटर की दूरी पे है। ये आ गया हमारा होटल, चेक इन कर लेते हैं और आपको होटल का एक टूर भी दे देते हैं। यहाँ पर सीट आउट एरिया है यहाँ पर, और ये इनका रिसेप्शन है। और ये उनका ब्रेकफास्ट और डाइनिंग एरिया है यहाँ पर। चलिए आपको रूम का एक टूर दे देते हैं। ये रहा डबल बेड, लाइटिंग रूम का अच्छा है, और ये सेंट्रलाइज जैसी पिक्चर्स भी अच्छा खासा लगाया गया है यहाँ पर, और ये यहाँ पर एक टीवी दिया गया है। कबर्ड है, कबर्ड के अंदर एक सेफ है। बैठने के लिए यहाँ पर एक सोफा दिया गया है। ये रहा इनका वॉशरूम एंड टॉयलेट। यहाँ पर टी कॉफी का इंतजाम है। इसके बाद हम फ्रेशन अप होने के लिए चले गए। फिर रिसेप्शन में जाके पता किया तो उन लोगों ने बताया यहाँ पर एक सनसेट पॉइंट है। योगेश, ये होटल कितना पुराना है? ये मैम आपका 4 ईयर हुआ है। 4 ईयर्स। मेन अट्रैक्शन पॉइंट तो यहाँ पे लॉयन सफारी का ही है, पर उसके अलावा अगर आपके पास डे विजिट का है सारा तो एक कनकई माता टेम्पल है, और सेकेंड आपका जमजीर वाटरफॉल है। उसमें अभी क्योंकि अभी मार्च हो रहा है तो क्या पानी रहेगा अभी वाटरफॉल में? आपका रेनिंग पे डिपेंड करता है कि कितना रेनिंग होगा। और यहाँ से कितने डिस्टेंस पे होगा ये? अंदर डीप जंगल में अप्रोक्स यहाँ से 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर रहेगा, तो आप अपने व्हीकल से भी जा सकते हो। ठीक। और एक सनसेट पॉइंट है, तो वो भी इवनिंग के लिए आप वहाँ विजिट कर सकते हो। लाइक यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर रहेगा उसका डिस्टेंस। सनसेट पॉइंट, सनसेट पॉइंट इवनिंग। नाम क्या उसका? वो सनसेट पॉइंट ही है। अच्छा, इसका नाम ही सनसेट पॉइंट। जंगल के अंदर है? नहीं, यहाँ से आप मेन रोड में आगे जाके जस्ट 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आएगा। ठीक, तो आप विजिट कर सकते हो। जैसे इवनिंग में अभी जा सकते हो। ठीक, थैंक यू योगेश। थैंक यू। अब हम निकल पड़े हैं सनसेट पॉइंट के लिए। Thank you.
रहा इसका एंट्री पॉइंट। इंक्वायरी करने पे पता चला कि यहाँ पे कोई टिकट सिस्टम नहीं है, तो चलिए अंदर चलते हैं और सनसेट व्यू का मजा लेते हैं। सासनगीर का सनसेट, यहाँ पर सनसेट पॉइंट पे यहाँ पर लेआउट दिया गया है। चलिए मंदिर देखते हैं क्या है यहाँ पर। देखिए सनसेट धीरे धीरे हो रहा है। इस तरफ सनडायल प्लाजा एम्पी थिएटर ऊपर है। चलिए पर देखिए बहुत सारा विंड चाइम लगाया गया है। ये देखिए झूला भी है ऊपर, तो हम बैठ सकते हैं। हम जा रहे हैं इसके ऊपर सनडायल प्लाजा। ये है सनडायल प्लाजा जो दिखा रहा हूँ मैं ऊपर, यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको थोड़ा जूम करके। देखिए
यहाँ पर भी एक फोटो पॉइंट है, यहाँ से दिखा रहा हूँ। देखिए नीचे पूरा पार्क टाइप बनाया गया है, पार्क जैसा, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। देखिए वहाँ पर अभी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच गए हम, अभी जा रहे हैं। फोटो पॉइंट है देखिए। ये देखिए यहाँ से जो जंगल दिख रहा है नीचे के तरफ, ये पूरा एंटायर स्ट्रेच है गिर का जंगल, और कल हम जाएंगे यहाँ पर जंगल सफारी करने के लिए। अब समय हो चुका था सनसेट का, तो हमने कैमरा सेट कर लिया और इस खूबसूरत नजारे का हर एक मोमेंट कैप्चर कर लिया। और ऐसे खूबसूरत माहौल में तो पिक्चर्स लेना बनता था, तो हमने कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक कर लिए। सनसेट व्यू को एंजॉय करने के बाद हमने हिल टॉप के नीचे वाले एरिया में, जहाँ पे पार्क टाइप ऑफ सेटअप था, वो जगह एक्सप्लोर की। यहाँ पे बहुत सारे स्विंग्स या झूले थे, विंड चाइम्स थे और ढेर सारी दूसरी चीजें थी, और यहाँ पर एम्पी थिएटर का सेटअप भी था। सनसेट के बाद ये जगह क्लोज हो जाती है। यहाँ सनसेट अराउंड 7 o'clock इन द इवनिंग, इसी टाइम के आसपास होता है, बिकॉज इट इज़ द समर्स। इसके बाद हमने इस जगह को गुड बाय कहा, और तब तक हमें बहुत भूख लग गई थी, तो हम निकल पड़े एक अच्छे से रेस्टोरेंट की खोज में इस जगह के आसपास। यहाँ पर एक रुद्रेश्वर डाइनिंग हॉल बोल के प्योर प्योर वेज वेजिटेरियन, तो यहाँ पर खाने खाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर भी दिख गया हमें वो आमरस, डब्बे में पैक हुआ है आमरस। तो ये डब्बा का क्या प्राइस है भैया? छोटे वाले 150 में आएंगे, 2 kg या 350 देंगे। ये पल्प है कि जूस है? पल्प, पल्प है। अच्छा, ये सभी पल्प हैं, तो ये आप बना के पी सकते हो। हाँ ओके, तो आप ये केसर केसर आम है। ओके, केसर आम है ये, तो आप देख सकते हो यहाँ पर। क्या भाई आपका नाम क्या है? अल्ताफ। तो बस हर जगह गुजरात में, मतलब जब दीव से आए हैं तो ऑन द वे यही पड़ा है, तो कभी आओ तो ट्राई कर सकते हो आप लोग। यहाँ हमने काठियावाड़ी थाली ऑर्डर की थी, इसमें 8-9 प्रकार के डिशेस थे, और उसके साथ था एक टेस्टी सा छाछ। डिनर एंजॉय करने के बाद हम लोग एक छोटे से वॉक पे निकल गए, और देन इट वाज टाइम फॉर अस टू हिट द बेड। गिर
जंगल सफारी जो कि सासन गिर का प्रोमिनेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है उसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो कि चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है। इसके डिटेल्स हमने आपको यहाँ दिए हैं। इस सफारी में हमने 13 लायन स्पॉट किए और बहुत सारे दूसरे जानवर भी देखे। इसमें हमने सफारी बुकिंग कैसे की और बाकी सारे डिटेल्स हमने इसमें कवर किए हैं। सो डू नॉट मिस आउट टू वॉच दिस वीडियो। गीर जंगल सफारी खत्म करने के बाद अभी हम जा रहे हैं जमजीर वाटरफॉल। जमजीर वाटरफॉल सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात में आता है एंड दिस इज़ द ओनली वाटरफॉल विच इज़ एवरग्रीन थ्रू आउट द ईयर। और ये हमारे होटल से ऑलमोस्ट 1 घंटे की दूरी पे था। इट वॉज अराउंड 40 किलोमीटर्स। This waterfall has got some breathtaking views and has the most serene spot you can ever find. Wow, look at this beautiful waterfall. जमजीर वाटरफॉल एंजॉय करने के बाद दिन के 2:30 बज चुके थे और अब टाइम हो चुका था हमें यहाँ से विदा लेने का। और हम लोग यहाँ से केवड़िया निकल गए टू व्यू द स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगर आपके पास गिर में थोड़ा सा भी टाइम हो तो आप ज़रूर कंकई माता टेम्पल विजिट कीजिएगा। तो ये थे कुछ दूसरी जगह जो आप कवर कर सकते हैं गिर में अपार्ट फ्रॉम द गिर जंगल सफारी। होप यू लाइक टूडेज कॉन्टेंट। Stay tuned to Life Rhythm for such exciting set of videos. Until we meet again, take care. Bye-bye.